हेलो बच्चा पट्टी, कैसे हो? एकदम मस्ती में हो? चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज पहले हम कर लेते हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, एक्सरसाइज 14 का सी, क्लास 11th के लिए बुक फॉलो कर रहे हैं आरएस अग्रवाल। टॉपिक है सम स्पेशल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। हम 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसमें 3 फार्मूला यूज़ होता है। इस तीनों फार्मूला को ऑलरेडी हमने क्या किया, पीछे डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है ना। वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए, पूरा का पूरा समझ में एकदम गारंटी है। मैथ्स क्या है, इंटीग्रेशन, जिसको डर लगता है ना, पूरा डर हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। बस अर्थ है कि आप डेली यहाँ पर क्या कीजिए, आप वीडियो को देखिए, ठीक है ना, और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस क्या करना है आपको, ये क्या बोलते हैं, एकदम ये बनाता है एकदम, जो क्वेश्चन देखो एकदम पानी की तरह उड़ेगी भाई। ये क्वेश्चन है एकदम धाई धाई करके बनेगा, समझे ना, गर्दा उड़ा दोगे। ध्यान से देखो, 11 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, इधर से देखो एक्स स्क्वायर माइनस में, तो पहले माइनस कॉमन लेंगे और ये वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। चलो तो i इज कॉस टू, ये वाला माइनस, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर सही है, उसके बाद इसको क्या 2ab पर, तो 2a अभी b के जगह पर कितना 1, क्योंकि सर इसको क्या करते हैं, ए दोनों टर्म का अपना अपना क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, अरे होना चाहिए ना। अब यहाँ पर क्या है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ तो सिर्फ 2x है, तो हम इसको क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ने का कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पर एक्स बी, यहाँ पर कौन ऐसा टर्म लेगा, ये पूरा हो जाएगा था 1। अब ये जो 1 है कैसा काम करेगा, बी का काम करेगा, तो बी स्क्वायर चाहिए, तो नहीं है तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ब्रैकेट बंद, और ये रहा dx, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन, यहाँ माइनस अपनी जगह सही है, यहाँ से यहाँ तक कौन फार्मूला, एक्स और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये रहा माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1, ये रहा dx, ठीक है। अब देखो ये वाला माइनस बाहर में है, उससे पहले ब्रैकेट है, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये प्लस, तो प्लस 1 स्क्वायर पहले, और ये वाला टर्म माइनस, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये रहेगा रूट, ये रहेगा dx, ठीक है ना। ये हो गया आपका a, ये क्या हो गया x, कौन फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फर्स्ट नंबर क्या कहता है, x बाई ए, इट मीन्स x माइनस 1, x बाई ए नहीं, x बाई 2, x माइनस 1 अपॉन 2, रूट अंडर क्या कहता है कि रूट के अंदर में जितना भी उसको लिखिए, 1 का स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या कहता है ए स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर अपॉन कितना 2, फिर कितना है साइन इनवर्स x बाई ए, x की जगह x माइनस 1 बाई ए, ए की जगह पर कितना है इधर से 1, यहाँ देखो ये x माइनस 1 और अपॉन 2 सही है। देखो ये वाला टर्म यही है, इसको जब करेंगे ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये पीछे वाले वीडियो में इसको भी हम सॉल्व करके दिखा चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 1 बाई 2, ये रहा आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 और प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म सी, यही फाइनल आंसर होगा आपके पास 11 नंबर का, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं हम 12 नंबर पे, तो इसको ये कर दें हम, फिर से देखो 12 नंबर है, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस 4x और माइनस है इधर से एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। फिर इस क्वेश्चन में देखो क्या है यहाँ पर कि सर यहाँ पर जो है क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर किस में है आपके पास माइनस में है, तो फिर भी माइनस को पहले क्या करेंगे कॉमन लेते हैं, यही तो रूल है, माइनस कॉमन लेगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो देखो क्या किए, ये प्लस हो जाएगा तो इसको पहले, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस 1 इसको लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर इसको क्या करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करेंगे, तो कैसे सेट करते हैं, ध्यान से देखो रूट माइनस रहने दो, ये वाला ब्रैकेट लगाओ, यहाँ एक्स स्क्वायर सही है, यहाँ देखो प्लस है तो प्लस दो, उसके बाद यहाँ मत देखो, यहाँ लिखो 2 और x अपने तरफ से लिख के तैयार हो जाओ, तैयार हो गए। अब यहाँ पर कौन ऐसा टर्म देंगे, कौन ऐसा डिजिट देंगे, कौन ऐसा संख्या देंगे, कौन ऐसा नंबर देंगे कि ये कंप्लीट हो जाएगा, तो सर 2x है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 हो जाएगा। अब ये जो 2 है किसका काम करेगा, b का काम करेगा, देखो ना इस वाले फार्मूला से ए स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए ना, तब ना ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे लगेगा, इसे मतलब आगे 2 का स्क्वायर चाहिए, नहीं है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर दो, फिर स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये वाला माइनस 1 लास्ट में पहले से था उसको लिख दो, ये रहा ब्रैकेट बंद, और यहाँ dx, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अब देखो ये वाला माइनस सही है, यहाँ से यहाँ तक कौन फार्मूला, एक्स और प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस 4, ये रहा माइनस 1, ये रहा dx, ठीक है। इंटीग्रेशन रूट अंडर, यहाँ पर से देखो माइनस, ये रहा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, माइनस 1 कितना, माइनस 5 हो जाएगा। अब देखो
ये रहा इंटीग्रेशन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा इधर माइनस कितना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये रहा dx। अब देखो क्वेश्चन में इससे पहले फॉर्मूला देखो क्या कहता है, दोनों टर्म का अपना अपना स्क्वायर होना चाहिए। तब यहाँ पर इस 5 को क्या हम रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ ये रहा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये रहा dx, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका x। कौन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट नंबर, तो क्या कहता है एक्स बाई ए, तो एक्स की जगह पर एक्स प्लस टू और बाई ए, ए की जगह पर कितना हो जाएगा यहाँ पर से देखो तो, सॉरी एक्स प्लस एक्स बाई टू, एक्स प्लस टू और बाई टू, और रूट अंडर कितना, रूट के अंदर जितना भी उसको लिख दीजिए, तो रूट फाइव का होल स्क्वायर और यहाँ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, उसके बाद है प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो रूट फाइव का होल स्क्वायर, तो रूट फाइव का होल स्क्वायर बाई टू, फिर कितना है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स की जगह कितना हुआ देखो एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस सॉरी टू, और अपॉन कितना रूट अंडर फाइव, ए है ए रूट फाइव है ना, तो रूट फाइव हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर से हो जाएगा एक्स प्लस टू बाई टू रहने दो, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये टर्म कौन सा है इसी को, इसको ये बनाए फिर ये बनाए फिर ये बनाए फिर ये बनाए, मतलब इसी का अनदर रूप है ना, तो हम इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे 1-4x, और माइनस कितना है इधर से एक्स स्क्वायर, और रूट फाइव का स्क्वायर करोगे तो 5 बाई टू, और ये रहा आपका साइन इनवर्स x प्लस टू अपॉन कितना रूट फाइव प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म c, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है, स्क्रीन शॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 2x और माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से यहाँ देखो एक्स स्क्वायर क्या आ गया माइनस में, तो जब भी एक्स स्क्वायर माइनस हो तो पहला स्टेप आपको करना है माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब देखो i इक्वल्स टू रूट अंडर, यहाँ माइनस तो रहेगा, अब यहाँ पर से देखो क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर सही है, इसको 2ab पर, तो 2 a की जगह पर x और b की जगह पर a हो जाएगा। हम क्या किए x को पहले a को बाद में लिख दिए, ठीक है ना, और ये a कैसा काम करेगा, b की तरह काम करेगा, अभी बताए थे यहाँ पर, बताए थे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं तो अब वहाँ पर क्या हो गया आपके a हो जाएगा b के काम, आगे क्या कहता है बी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर नहीं है तो ए स्क्वायर ये ऐड कर दो, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये रहा dx, ठीक है। अब चलो इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ पर सही है, यहाँ से यहाँ तक कौन फार्मूला x माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस इधर से होल स्क्वायर, ये रहा dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, रूट अंडर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये हो जाएगा कितना प्लस और माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये रहा dx, फिर से ये रहा a और ये रहा x, कौन सा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा फार्मूला फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर फार्मूला क्या कहता है x बाई टू, एक्स की जगह x माइनस ए है तो x माइनस ए बाई टू, फिर रूट अंडर कितना, रूट के अंदर जितना भी है उसको लिख दीजिए, प्लस क्या हो ए स्क्वायर बाई टू, तो इट मीन्स कितना ए स्क्वायर बाई टू, फिर है कितना साइन इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह कितना x माइनस ए और अपॉन कितना ए, सॉरी ए ए ए के जगह पर ए ही होगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ x माइनस ए अपॉन टू, तो ठीक है फिर से देखो रूट के अंदर में ये टर्म, ये कौन सा, यही टर्म से आया, फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब इसी को अनदर रूप ये है, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ax और माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और ये रहा आपका साइन इनवर्स x माइनस ए बाई टू प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म c। 13 का फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ आप 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोर्टीन नंबर है इंटीग्रेशन रूट अंडर कितना है यहाँ पर से 2x स्क्वायर, कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4 इधर है dx, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो गया 2, तो 2 हम क्या करेंगे यहाँ कॉमन लेंगे, तो पहले आप क्या कीजिए 2 कॉमन लीजिए, एकदम ध्यान से देखो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, इसमें 2 नहीं है तो इसमें डिवाइड लग जाएगा, 4 है यहाँ तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये रूट 2 को बाहर कर दो इंटीग्रेशन से, और यहाँ एक्स स्क्वायर अपनी जगह सही है, इसको भी सेट करेंगे किस पे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी पर, तो 2 और x अपनी जगह लिख दो, उसके बाद कौन सा ऐसा यहाँ पर कौन सा टर्म दोगे कि 3 बाई 2 इंटू एक्स हो जाए, तो 3 तो चाहिए चाहिए, अब इधर 4 कर दो तब ना 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बाई 2 बचेगा, 4 से 2 से 4 कट जाएगा तो 3 बाई 2 इंटू एक्स बचेगा, और ये 3 बाई 4 कैसा काम करेगा, कैसा काम करेगा
बी की तरह, तब बी स्क्वायर चाहिए तो 3/4 का होल स्क्वायर कर दो, 3/4 का होल स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये +2 पहले से था, और यहाँ पर ये वाला dx, ये फॉर्मूला है इधर, ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो ये रहा आपका √2, और यहाँ से यहाँ तक कौन फार्मूला हो जाएगा, देखो तो एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर क्या करो, 2 को पहले लिख लो, +2 है, इसको पहले लिख लो, अब माइनस वो इस वाले को बाद में लिखा था, 9 और अपॉन कितना 16, अब ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो √2 यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 16 एलसीएम लोगे तो 16 × 2 = 32, और माइनस इधर से 9, और यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। यहाँ आपके पास √2 और रूट अंडर इधर कितना, एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, देखो 32 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, अरे कितना बचेगा, कितना बचेगा, 23 बचेगा, ठीक है ना, और नीचे में कितना हो जाएगा इधर 16, अरे बचेगा ना, देखो ना। अब यहाँ पर से √2 अपने जगह सही है, अब क्या करना है आपको, एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर से √23 और अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये रहा dx, ये काम करेगा x का, ये काम करेगा a का, कौन फार्मूला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड नंबर तो थर्ड नंबर है ना, बीच में प्लस, x/2, तो x की जगह कितना, एक्स प्लस 3/4 और बट्टा में 2, फिर रूट अंडर कितना, रूट के अंदर जितना भी उसको लिख दीजिए, तो एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा कितना, √23, रूट अंडर कितना हुआ 23/4 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस a² / 2, तो √ कितना इधर से देखो 23/4 का होल स्क्वायर और 2, उसके बाद है log, कितना है इधर से log, मॉड ऑफ कितना x, तो x के जगह कितना, x के जगह x प्लस 3/4, तो x प्लस 3/4 प्लस √ कितना, रूट के अंदर जितना भी है उसको लिख दीजिए, इधर हो जाएगा एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और प्लस इधर से हो जाएगा √23/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ देखो इसको थोड़ा सॉल्व करो, यहाँ √2 है, देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे 4, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4x और प्लस 3, और नीचे में इस 4 है, यहाँ पर 4 बचेगा, 2 बट्टा पलट देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसको जब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x इंटू कितना इधर से b के जगह पर 3/4 प्लस b², तो b² कितना होगा, 3×9 और बट्टा में इधर 16, और इसको करोगे तो √3 और बाई इधर से कितना 16 हो जाएगा। मतलब कि सर √23 था, स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, 4 के करोगे 16, अब यहाँ पर करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 23/16 आई इंटू, देखो बट्टा पलट देंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, और log मॉड ऑफ कितना, एक्स प्लस 3/4, उसके बाद कितना प्लस रूट अंडर इधर से, फिर से देखो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2ab, तो 2x यहाँ हो जाएगा 3/4 प्लस b², तो 9 बट्टा कितना 16, और प्लस कितना इधर से देखो 23/16 मोड ब्रैकेट, ठीक है, मतलब जो यहाँ टर्म होगा वही वहाँ टर्म होगा, ठीक है ना। अब एक काम करो, एक बार इधर स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, ताकि इस वाले टर्म को फिर हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, ले लिए स्क्रीन शॉट, चलो चलो। तो अब फाइनली हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो इस √2 को बाद में देखेंगे, इस √2 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है देखो 4x प्लस 3/8, इसको ब्रैकेट में कर दो, और यहाँ कितना होगा देखो तो x², इसको काट दोगे तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, देखो 3x/2, और यहाँ इसमें क्या करोगे, 16 एलसीएम लेंगे हम, 16, 9 और 23 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 9×3 = 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा कि 33 होगा, देखो तो 9×3 = 12 इधर रखते, मतलब 32 यहाँ पर फाइनली हो जाएगा कितना 32, ठीक है ना। अब माइनस इधर से कितना हो जाएगा, देखो तो 23 अपॉन कितना इधर से 32,
और log इधर से कितना x प्लस कितना 3/4 अब प्लस इधर से कितना हो जाएगा, यहाँ भी देखो सेम चीज़, ये सेम चीज़ यहाँ है तो ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना इधर से 3x/2 प्लस 32 अपॉन कितना इधर से 16, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो इस रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ रूट टू और अपॉन 8 कर दो। अब यहाँ पर से क्या कर सकते हो, 16 × 32 ये कट गया, 16 × 32 ये कट गया, तो अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 और प्लस 2 माइनस देखो इस 2√2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 23√2 अपॉन कितना 32 लॉग मॉड ऑफ कितना x प्लस 3/4 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x/2 और प्लस इधर से 2। अब चाहो तो आंसर इतना लिख दो या नहीं तो यहाँ पर से रूट टू क्या कर लो एलसीएम ले लो, तो इधर से हो जाएगा 4x + 3/8 यहाँ हो जाएगा रूट टू, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लोगे तो इधर से कितना हो जाएगा देखो तो 2x², फिर यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस 4 यहाँ हो जाएगा 23 √2/32 ये हो जाएगा log mod of x प्लस 3/4 प्लस यहाँ भी क्या करोगे 2 एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x और प्लस 4 हो जाएगा। अरे होगा, इस वाले टर्म को हम रब कर दें, चलो इस वाले टर्म को हमने गिरा रब। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x + 3/8 और ये रहा आपका √2। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 3x + 4, ये रूट टू को बाहर में हम ऐसे रूट टू लिख दिया, ठीक है ना, माइनस इधर से 23√2 अपॉन कितना इधर से 32 और ये रहा log mod of x प्लस 3/4 और यहाँ पर या तो इसको ऐसे लिखो है नहीं तो 2x² + 3x + 4 कर दो, आई इसको √2 को बाहर कर दूँ, ठीक है ना। ये वाला √2 कैंसिल आउट, क्या बचा इधर 4x + 3/8, समझ में आ रहा है। चलो इधर बचेगा 2x² + 3x + 4, ठीक है ना, -23 इधर से √2 अपॉन 32 और ये हो जाएगा log mod of x प्लस 3/4 और यहाँ पर से ये जब जैसे इसको वैसे लिख दो प्लस 4 नीचे में हो जाएगा कितना यहाँ √2 और प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म सी, ठीक है ना। फाइनल आंसर आपके पास यही होगा, ठीक है ना। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करें कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, और पढ़ाई धनादन कीजिए, ठीक है ना, तब धनादन रिजल्ट आएगा।